नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे और पटना लौटते ही एयरपोर्ट पर सबसे पहले उन्होंने कृषि कानून को वापस लिए जाने पर अपना जवाब दिया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले तेजस्वी यादव से जब इस पर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन अब भी समस्या का उस तरह से समाधान नहीं हुआ है जिस तरह से वो किसान चाहते थे। और इसी के साथ तेजस्वी यादव ने एक बड़ी मांग कर दी है केंद्र सरकार से और एक बड़ी मांग कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तेजस्वी यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान हुई करीब 700 किसानों की मौत की जिम्मेदार है केंद्र सरकार, और इसी के साथ मृतकों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजा देने की मांग की है तेजस्वी यादव ने, और मृतकों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी तेजस्वी यादव ने मांग कर दी है। पहले आप ये सुनिए। कृषि कानून वापस हुआ, लेकिन अभी जो MSP की जो लड़ाई केंद्र सरकार को जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को किसानों की जो मांग है गारंटी जो है वो मिलनी चाहिए, वो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा उस बिल में। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने घोषणा भी की जिन किसानों की जान गई थी आंदोलन, और नीतीश कुमार जी तो सहयोगी रहे किसानों के खिलाफ जो बिल आया पूरा। हम लोग केंद्र सरकार से मांग भी करते हैं कि जिन किसानों को रुचि हुई है 25-25 लाख रुपया जो है मुआवजा दिया जाए, और एक नौकरी केंद्र सरकार के साथ ही बिहार सरकार से भी मांग है कि 5 लाख रुपए उसके परिवार को देते दिया। वहीं जब तेजस्वी यादव से नीतीश सरकार के 15 साल पूरे होने पर सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव ने हंसते हुए कहा कि किस तरह से 15 साल की बेमिसाल सरकार, किस तरह से बेमिसाल सरकार, बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस तरह से बेमिसाल सरकार। शराबबंदी को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने 15 सवाल किए थे, ये 15 सवाल का एक जवाब भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, इस वजह से बेमिसाल सरकार, या फिर बिहार में बेरोजगारी पलायन चरम पर है, इस वजह से बेमिसाल सरकार। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में एक भी कारखाना क्यों नहीं लगा पाई है नीतीश सरकार। जरा ये सुनिए 15 साल के सरकार के कार्यकाल पूरे होने पर क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। 15 साल नीतीश बेमिसाल कार्यक्रम होने जा रहा है। नीतीश कुमार बड़ा कार्यक्रम बिहार जदयू के लोग मना रहे हैं, नीतीश कुमार का 15 साल सुशासन के ऊपर हो जाएगा। 15 साल नीतीश बेमिसाल पूरे बिहार में मनाया जाएगा। किस बारे में बेमिसाल? बेरोजगारी में, शराबबंदी में, अपराध में, शिक्षा बर्बाद हो गया उस मामले में, अस्पतालों में कुत्ते रहते हैं इस मामले में, बाढ़ सुखाड़ हर जगह, एक इंडस्ट्री नहीं लगा, कारखाना नहीं लगा, किस मामले में बिहार बेमिसाल? एक अभी शराबबंदी को लेकर के हमने 15 सवाल पूछे थे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। चलिए एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए। नीतीश जी ये बताइए कि आप 15-15 साल का राग अलपाते हैं, 15 साल पहले 90 से लेके 2004 तक कितने टीके थे, और 2005 के बाद से इनके राज में कितने टीके हुए, इसी का जवाब दे। नहीं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को अगर पता है कि शराबबंदी फेल है, कहां कहां शराब मिल रहा है, तो बताते क्यों नहीं सहयोग करते सरकार को? अरे भैया, मुख्यमंत्री के पास जो बैठता है वही इस काम में लगा हुआ। कितने विधायक, कितने मंत्री, कौन कौन लोग हैं, सब लोग तो जान ही गए, फिर बताने की क्या जरूरत है? सरकार किस बारे में फिर नाम क्यों लेते थे? जो कार्रवाई हो रही है, नाम क्या देना, जाके ढूंढे ना, शराब आ कहाँ से दी है, कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? एसपी जी, जो कार्रवाई हो रही है ज्यादा अथॉरिटी तो नहीं है। समीक्षा बैठक के बाद कार्रवाई हो रही है, जो होटलों में जिस तरीके से जो बाहर से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसके बाद कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे? बैठक भी हुई थी बड़ी नीतीश कुमार ने की। तो सुना आपने, एक तरफ 24 नवंबर को जश्न होने वाला है, बिहार सरकार जश्न मना रही है, 15 साल पूरा होने का ब्यौरा देंगे नीतीश
कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भी बताएंगे कि 15 साल में उन्होंने क्या क्या कामयाबियां हासिल की है, क्या कुछ सफलताएं मिली हैं। और दूसरी ओर विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष लगातार इस बात पर तंज कस रहा है कि आखिर किस तरह से जेडीयू जश्न मनाने का प्लान कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ ही बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें और बिहार के राजनीतिक गलियारों की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।